तो जैसा कि हम लोग एक्सेल शीट पे वर्क कर रहे थे, तो हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर में देखा कि यहाँ पे हमारे पास जब मल्टीपल कॉलम्स को ऐड करना है या मल्टीपल रो को ऐड करना है तो सम फंक्शन को कैसे कॉल करना है। जैसे हमने यहाँ टोटल निकाला हुआ है और सिमिलरली इसके लास्ट में भी हम लोगों ने यहाँ टोटल कैलकुलेट किया हुआ था, तो वहाँ पर कम डाटा था, मैंने इसको और डाटा ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर हम लोग टोटल निकाल सकते हैं, परसेंटेज यानी कि एवरेज निकाल सकते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर में बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर हमें मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास इतनी सारी वैल्यू दी हुई है, जैसे मान लीजिए ये सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, हम चाहते हैं कि किस बंदे ने या किस सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम फाइंड करने के लिए यहाँ पे तो देखिए डाटा है, तो आप बहुत कम डाटा है तो आप देख के भी बता सकते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा डाटा होता है तो आपको हर एक रो में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली मैक्स फंक्शन को कॉल करेंगे और आपका मैक्सिमम फाइंड आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले मैं सम देखा था, तो मैं यहाँ तक की वैल्यू इंटर थी उसमें, तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ। तो आपको सिंपली इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आपकी सारी वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ये मैं गूगल शीट यानी कि स्प्रेड शीट पर वर्क कर रहा हूँ, अभी मैं एक्सेल शीट पर भी आपको वर्क करके दिखाऊँगा कि एक्सेल शीट पर कैसे वर्क होता है, तो वहाँ भी हम लोग देखेंगे कि ये वहाँ पर कैसे वर्क होता है। तो यहाँ पे इसको नीचे तक ले जाते हैं, तो यहाँ देखिए सारी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। सिमिलरली इसको भी हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो इसकी वैल्यू भी सेम वर्क करेंगी। अब आप यहाँ पे एक्सेल शीट में भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैं उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी सेम इसी तरीके से एक्सेल शीट में वर्क होता है। तो इसको भी हम लोग यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे तक ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, सारी वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। अब हम लोग मैक्सिमम फाइंड करने वाले हैं, तो मैक्सिमम फाइंड करने के लिए देखिए यहाँ पे करना क्या है आपको, सिंपली आपको जिस तरीके से सम फंक्शन कॉल करते थे सिंपली मैक्स फंक्शन भी उसी तरीके से कॉल करना है। तो आपको इक्वल्स टू आपको लिखना है एम ए एक्स, और ओपन ब्रेसेस करते ही आपको सेलेक्ट करनी है वैल्यू। सेलेक्ट कहाँ से करनी है, आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए सेलेक्ट करना है आपको और नीचे तक सेलेक्ट करना है आपको यहाँ तक। देखिए अब आपका सब यहाँ इस वैल्यू के सब वो मैसेज मैक्सिमम नहीं आना चाहिए, आपको यहाँ तक करना है, तो जहाँ तक करना है वहाँ तक सेलेक्ट किए, इंटर पर क्लिक किए तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 61। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये आप कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ से पूरे में आप इस तरह से खींच देंगे तो आपका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो यानी कि आपके हर एक सब्जेक्ट की मैक्सिमम वैल्यू भी आ गई, साथ में मैक्सिमम परसेंटेज कितनी है वो भी आ गई। इसको मैं बीच में कर देता हूँ, यहाँ से आप इसको बीच में कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ में ही आप चाहते हैं कि मल्टीपल रो को आप सिंगल रो में कन्वर्ट करना चाहते हैं यानी कि मर्ज करना चाहते हैं, तो आपको इन दोनों को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इस पर फॉर्मेट पर जाके आप मर्ज, यहाँ पर आपको मर्ज सेल का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर मर्ज वर्टिकली अगर मर्ज ऑल कर देंगे तो सिंपल एक कॉलम मिल जाएगा। मर्ज हॉरिजेंटली करेंगे तो क्या होगा कि आपको हॉरिजेंटली मर्ज होगी, हमें यहाँ पर वर्टिकली मर्ज करना है, यानी कि हमें उतने ही कॉलम चाहिए, सिर्फ हमें दो रो की एक रो बननी चाहिए। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी रो तो दो रहेंगे लेकिन कॉलम आपके सब मिक्स हो जाएंगे, तो आपको मर्ज वर्टिकली पे क्लिक करना है। तो देखिए ये दोनों रो आपकी एक रो बन जाएगी। अब आप इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेंगे यहाँ से जाके, तो ये देखिए बीच में वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से देखिए अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन आपको इस हमारा यहाँ फोकस सिर्फ और सिर्फ इस मैक्स फंक्शन पे था कि मैक्सिमम कैसे वर्क कर रहा है। अब आप यहाँ पे एक्सेल शीट में आ जाएंगे, यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है, वो मैं आपको गूगल शीट में बता रहा था। यहाँ पे भी आपको लिखना है मैक्स, और इस तरीके से आपको यहाँ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और इंटर पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे भी वैल्यू आ जाएगी। इसको भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके कम्प्लीटली सारी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसमें बहुत सारे जो फंक्शनलिटी हैं उनके बारे में भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी फंक्शनलिटी है। सम को हम बात कर ही चुके हैं, एवरेज की बात कर चुके हैं, यहाँ पे काउंट और यहाँ पे मैक्सिमम की जैसा ही मिनिमम भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल्स टू मिन, यहाँ पे हम लिखेंगे मिन, देखिए यहाँ पे हमें सजेशन भी मिलता जाता है उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शन होते हैं। उसके बाद फिर से वही तरीका, आपको सेलेक्ट करना है सारी वैल्यू, यहाँ से सेलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे और सेलेक्ट करते जाएंगे नीचे तक, तो जो भी वैल्यू है जितनी भी वैल्यू है वो सब सेलेक्ट हो जाएंगी और उसका इंटर दबाएंगे तो आपका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट होकर आ जाएगी। यहाँ पर 10 मिनिमम है, सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक, तो आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपकी परसेंटेज 42.4 मिनिमम है जबकि 57 मैक्सिमम है। ये आपके इंडिविजुअली मार्क्स हैं जो कि मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आज हम लोगों ने दो और फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया, आप एक्सेल शीट में या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सेम तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा सम एवरेज, हम इसके बाद पहले डिस्कस कर चुके थे, आज हम लोगों ने मैक्स एंड मिन के बारे में देखा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे
आपको इतने सारे जो फंक्शन मिलेंगे आप इनको अपने से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है उनके बारे में आपको मैं यहाँ पे यूज करके बताऊंगा कि कैसे यूज करना है। यहाँ पे आपको जनरली फॉर्मेट, जितनी भी ये फॉर्मेट वाली चीज़ें हैं वो सारी आनी चाहिए कि किस तरीके से कॉलम को मर्ज करते हैं, किस तरह से रो को मर्ज करते हैं। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे हम इन दो कॉलम को मर्ज करना चाहते हैं, तो इन दो कॉलम को हम अगर फॉर्मेट में जाके मर्ज करते हैं, तो देखिए मर्ज ऑल पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये मर्ज हो जाएगा, दोनों कॉलम एक कॉलम बन जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम चाहते हैं कि यहाँ पे देखिए हमने इन दो रो को हम मर्ज करना चाहते हैं, इन दो सिर्फ और सिर्फ इन दो ब्लैंक पॉइंट को हम मर्ज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन होगा और मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए मर्ज हो जाएंगे। इस तरीके से वर्क करता है, लेकिन हमें ज़्यादातर काम ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है इस पर परफॉर्म करना है। तो आई होप कि आपको ये दो फंक्शन समझ में आए होंगे। इसमें भी बहुत सारे इक्वेशन हैं, यहाँ पे देखिए आप फिल्टर भी है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे कि हम कैसे फिल्टर कर सकते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा होता है, हमें पर्टिकुलरली कोई डाटा चाहिए होता है कि मान लीजिए हम किसी का नाम सर्च कर रहे हैं, तो जैसे रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर होता है तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों के नाम होते हैं, उनमें से हमें सर्च करना है तो कैसे सर्च करना है, कैसे रोल नंबर सर्च करना है, कैसे एक रेंज को सर्च करना है, जैसे हम चाहते हैं कि इस रोल नंबर से इस रोल नंबर के बीच में सारे रोल नंबर हमारे सर्च हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, और आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे फंक्शनैलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। Thank you for watching.